आइसक्रीम पार्लर एंड हियर नियर टू टाउन पुलिस स्टेशन महबूब नगर अल बेक द टेस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट नियर रूरल पुलिस स्टेशन श्रीनिवास कॉलोनी महबूब नगर एम ज्वेलर्स गोल्ड सिल्वर एंड बिसाइड मॉडल बेसिक स्कूल पांच और रस्ता महबूब नगर असलामिक नाजरीन मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्ते है आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबर पर मिली महाज के जेरहतम इकम सितम्बर बरोजे ईतवार महबूब नगर में मुनदा एहतजाजी जल्स आम बजुमन वक्फ तरमीमी एक्ट दो हजार चौबीस का शालीमार फंक्शन हॉल महबूब नगर में नकात अमल में लाया जा रहा है इस जलसे में मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नकीब मिलत बारिस्टर असदुद्दीन अवेसी के अलावा अलमा मौलाना जियाउद्दीन नक्शबंदी सदर दार्फिता जाम निज़ामिया एन एम श्रीनिवास रेड्डी एम एल ए महबूब नगर डॉक्टर मल्लू रवि एम पी नागर कर्नूल अलामा मोलाना शफी आलम सदर शहरी जमैत अहल हदीस हैदराबाद डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद जमात इस्लामी हिंद शिरकत करेंगे इस खसूस में मिली महाज इतिहादी और कांग्रेस के ख्वाजा केयाजुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त मिली महाज जाबिर बिन सैद अल जाबरी इंचार्ज कोऑर्डिनेटर मजलिस मुतहदा जिला महबूब नगर अब्दुल हादी एडवोकेट सदर जिला मजलिस मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट मोहम्मद मजलिस मोहम्मद शबीर नायब सदर नशीन बल्दिया महबूब नगर मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वेनर मिली महाज सैयद साद हुसैनी बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस मोहम्मद महबूब मोहम्मद मुश्ताक रशीद मुजम्मिल मुजम्बिल कौंसलरान बल्दिया मजलिस मिर्जा खुदूस बेग हाफिज अदरी सिराजी को कन्वेनर्स ने शालीमार गार्डन फंक्शन हॉल पहुँच कर जलसे की तैयारियों का जायजा लिया बादन ने सहाफियों से मुखातब करते हुए मुसलमान आने महबूब नगर से अपील की कि इस जलसे में कसीर तदाद में शिरकत फरमा कर जलसे को कामयाब बनाए इस मौके पर अब्दुल्ला एडवोकेट कन्वेनर लीगल सेल मिली महाज मोहम्मद मोय नूरुल्ला खान आबिद महुद्दीन मिली महाज मोहम्मद इमरान मोहम्मद फारूक मोहम्मद समद मजलिस मौजूद थे फर्स्ट सितंबर इतवार के दिन 2024 जो वक्फ़ एक्ट के ख़िलाफ़ में एहताजी जलस आम होने जा रहा है शालीमार फंक्शन हाल में न्यू टाउन महबूब नगर में अल्हम्दुलिल्लाह जलसे के तकरीबन इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं और कोशिश ये की जा रही है कि बरसात में आने वाले लोगों को तकलीफ़ ना हो लिहाजा उनके बैठने के लिए भी इंतज़ाम काफ़ी अच्छे किए जा रहे हैं आप लोगों से गुजारिश है कि इस जलसे को ज़्यादा से ज़्यादा कसर तदाद में आकर जलसे को कामयाब बनाएँ ताकि लोगों में मैसेज जा सके कि हम सब एक हैं और हमारे हकूक़ के लिए हम बराबर लड़ते रहेंगे खुदा महबीनगर टाउन में इक्कीस सितंबर जुमा को बाद इत, जो इतवार को बाद नमाद मगरब वक् प्रोडक्शन बिल के खिलाफ एक अज़ीमशान एहताजी जलसा मुनदद किया जा रहा है इसमें सदर मुस्लिम पर्सनला बोर्ड मौल खालद रहमानी साहब के अलावा नखब मिलत बाय सदनवीसी साहब पार्लियामेंट का खसूस खिताब होगा और इसमें जमात इस्लामी तय मिलत अहल और तब और जमात हहलीस के हैदराबाद के नुमाइंदा असाब अच्छा भी मुखातिब करेंगे तमाम मकतब फिक्र के असाब अच्छा से ख्वाहिहश की जाती है कि वो जलसे में शर्क हों और जलसे में शेर मिली इतिहात का सबूत दें और चूँकि मुल्क में अपनी नौीय का पहला इजलास है इसलिए इसको कामयाब बनाना और मुनफरद बनाना ये वक्त की अहम ज़रूरत है लिहाजा मेरी आपसे अपील है कि वक्त साहि मगरब के साथ ही शालीमार फ पहुँच जाएँ ताकि दस बजे तक करीब जलसा का खत्म हो सके बरकू आज शालीमार गार्डन में तमाम मिली महाज और एम आई एम के सदरस और मतमदिन यहाँ पर आए और जो आने वाला इतवार को फर्स्ट सेप्टबर को जो अजलास मन्द है वक्त तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो एहताजी जलसा है उस जलसे के इंतज़ाम का जायज़ा लिया गया यहाँ पर जा तकरीब काम मुकम्मिल हैं इन शे बहुत अजीम शान जलसा रहेगा आप तमाम से ये गुजारिश है कि इस जलसे को आकर आप अपनी मिली इतहाद की और जो अपनी बिल जो वक् बिल है इसके मुखालिफ में अपनी आवाज़ को सारे हिंदुस्तान में पहुँचाएँ क्योंकि ये हिंदुस्तान में पहला इजलास है जो बिल के खिलाफ मनद किया गया है इस अजलास में जनाब मौलाना खालिद सैफुल्ल रहमानी साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब नक़ीब मिलत सदर मजलिस तशरीफ़ ला रहे हैं और इनके साथ हमाम अक्तबी फिक्र के तमाम कराम भी आ रहे हैं इन सब से सुनकर हम आगे के जो हिंदुस्तान में जो ज़रूरत है एहत करने के लिए इस तरमी बिल के ख़िलाफ़ उसमें हम क्या करना चाहिए इसमें एक अच्छा मैसेज मिलेगा और आगे हम अपने जो जज्बात है उसका इज़ार कर सकेंगे आप तमाम से गुज़ारिश है ज़्यादा से ज़्यादा तैदाद में आकर इस जलसे को कामयाब करें अलैक् सप्टम्बर बरोजातवर बाद मा, मामाज मगरब महबूब नगर की तमाम शाहरा शालीमार गार्डन की तरफ रुख करेंगे जहाँ एक इंतहाई ज़रूरत और अहम का एक जलसा जो वक्फ़ बिल के तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ में मन्ख़द किया गया है जिसको बारा शरद असदीन नवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट सदर मजलस इतहदलमसलमी और खालदर ख़ालिद सैफ़रहानी साहब सर मुस्लिम पर्सनला बोर्ड खिताब करेंगे यहाँ चूँकि बारिश के आ, बारिश होने के इम्कान हैं इस सिलसिले में जलसे को वाटर प्रूफ शामियान। के के जरिए यहाँ इंतजाम किया गया है यकीन जमहूरीत में सरों को गिना जाता है तोला नहीं जाता कि मिसबाख हमारे डेमोक्रेसी में सिर्फ एहत एक हमारा हथियार है जिसके ज़रिए हम अपनी चीज़ों को बनवा सकते हैं चूँकि ये हिंदुस्तान का पहला जलसा है और महबूब नगर को ये एजाज़ हमेशा से हासिल रहा है कि कोई भी तहरीक अगर शुरू होती तो महबूब नगर सरजमीन से शुरू होती है इस जलसे को कामयाब बनाने की और मिल इतह के सबूत देने की आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी है मैं तमाम लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि बाद मगरब बिला किसी इसके शालीमार गार्डन पहुंच जाइए और जिससे इस, इस जलसे को कामयाब बना नाजरीन आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशायदा यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं अगर आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशायदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स